हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें सिस्टम जुड़ा है, मतलब तंत्र जुड़ा है, तो मतलब हम लोग कई सारे अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं एक्चुअली में कि रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है। रिस्पायरेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड ऑफ बॉडी सेल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिलीज द एनर्जी, इट इज अ कॉल्ड अ रिस्पायरेशन। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, मतलब जो श्वसन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें भोजन के अणुओं को ऑक्सीकरण होता है और ये ऊर्जा प्रदान होती है। ऐसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें जो भोजन होता है उसके अणुओं को, मतलब उसका जो अणु होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और ये ऊर्जा प्रदान करती है, मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ऐसे प्रक्रिया को हम लोग श्वसन यानी कि हम लोग श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया इसका डिफिनेशन क्या होता है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन के अणुओं को ऑक्सीकरण होता है और ये ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। तो चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी श्वसन, मतलब कि जो चीज़ बाहर हो। आप लोग तो मोबाइल खरीदते होंगे, मोबाइल में आपको स्टोरेज दो तरीक़ों से मिलता होगा, एक तो इंटरनल और एक तो एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर की चीज़ें, एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी की चीज़ें। तो एक्सटर्नल मतलब बाहरी श्वसन, हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल समझेंगे कि बाहरी श्वसन, मतलब कि बाहर से जो चीज़ लिया जाता है। चलिए समझिएगा, स्टेट ऑफ रिस्पायरेशन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन टेक प्लेस बिटवीन लंग्स एंड एटमोस्फियर, इट इज़ अ कॉल्ड अ मैकेनिकल प्रोसेस। इन दिस अ प्रोसेस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। समझिएगा, बाहरी श्वसन एक बाहरी श्वसन की प्रक्रिया फेफड़ों और बाहरी वातावरण के बीच में होती है। इस प्रक्रिया को मैकेनिकल प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा खर्च होती है, मतलब कि जो श्वसन हो, जैसे मैं सांस लिया बाहर तो लिया ना, हमारी जो श्वसन होती है, श्वसन की फेफड़ों और हमारी वातावरण, मतलब जो लंग्स के बीच और हमारे एटमोस्फियर, हमारे जो वातावरण है उनके बीच में होती है, और हमको रिस्पायरेटर हमको सांस लेने में ऊर्जा भी खर्च होती है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप लोग सांस नहीं ले सकते। और ये मैकेनिकल प्रोसेस क्यों कहा गया है भैया, समझिए, मैकेनिकल प्रोसेस इसलिए कहा गया क्योंकि मैकेनिकल हम कर रहे हैं ना, हम सांस ले रहे हैं, इसीलिए इसको मैकेनिकल प्रोसेस कहा गया है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा भी खर्च होती है। अभी बताया आप लोग को कि अगर आप लोग के पास ऊर्जा, मतलब कि आप जो सांस लेते हैं उसमें ऊर्जा भी खर्च होती है, उसमें आपकी एनर्जी भी यूटिलाइज होती है। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब पढ़ेंगे इंटरनल रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होती है, अंदर की चीज़ें। अब पढ़ेंगे इंटरनल रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन साइड ऑफ सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल प्रोसेस। इट इन दिस प्रोसेस एनर्जी सिम्टम्स अंदर मतलब कि अंदर की चीज़ें, अंध श्वसन की प्रक्रिया हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इस प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, एवं इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन होता है, एटीपी के रूप में होता है। मतलब एक्सटर्नल में क्या पढ़ा था कि भैया हमारी एनर्जी खर्च हो गई, तो इंटरनल में क्या हुआ, आपने जो एक्सटर्नल में किया, जो आपकी एनर्जी खर्च हुई थी, जो आपने रिस्पायरेशन किया था, ऑक्सीजन गई, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया, ग्लूकोसिस बना, तो उसके बाद वो एडीपी में क्या कि एडीपी के रूप में वो कन्वर्ट हुई। एडीपी क्या करती है, उसको एनर्जी दे दी, एनर्जी मतलब उसका ऊर्जा का उत्पादन कर दिया। एडीपी का फुल फॉर्म एडोनोसिन ट्राइफोर्स है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है कि एटीपी का फुल फॉर्म बताओ, तो एडोनोसिन ट्राइफोर्स है। ये इसका हो गया डिफिनेशन कि श्वसन मतलब कि ऐसी प्रक्रिया, इसमें मतलब केमिकल प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल प्रोसेस जो हम लोग करते थे, उसमें क्या होगा केमिकल, आप रिस्पायरेशन की, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया, फिर वो एटीपी बनाया, एटीपी के रूप में क्या किया वो ऊर्जा का उत्पादन कर दिया। अब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम अपर, मतलब कि ऊपर का क्या होता है, नोज एंड नेसल कैविटी, नासिक एवं नासिका गुहा। पहले
पहला क्या होता है, फेरिंग्स होता है और लैरिंग, इसमें दो होता है और नीचे मतलब कि लोअर का, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, पहला ट्रैकिया होता है, दूसरा टू ब्रोंकाई होता है, श्वसन नली जिसे बोलते हैं, और ब्रोंकियोल होता है, और एल्वीली होता है, और लंग्स यानी कि फेफड़ा। और इन तीन, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जानेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अगर आप लोग कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि हम बताएंगे उसको। पढ़ेंगे नोज एंड नेसल कैविटी। आप समझिएगा, नोज इज अ पार्ट ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक विच इज़ अ डायरेक्ट विद आउटर इन्वायरमेंट। नासिका हमारे ऊपर वाले श्वसन तंत्र का एक भाग होता है, जो ये सीधे बाहरी वातावरण से जुड़ा रहता है। मतलब जो नासिका होता है, यह एक श्वसन तंत्र का एक भाग होता है, जो कि हमारे बाहरी वातावरण से जुड़ा रहता है। यह नाक है, यह नोज है, ये बाहरी वातावरण से क्या है, जुड़ा है। अब आगे बढ़िए। फ्रंट ऑफ द नोज इज द फ्रंट टू वी ऑन नॉस्टाइल विच इज द इंटरैक्ट कनेक्टेड विथ नेसल कैविटी। नासिका के बाहर दो छिद्र पाई जाती हैं, इनकी नासिका छिद्र भी कहते हैं, और अंदर से नासिका गुहा से जुड़ा रहता है। मतलब कि नासिका के बाहर दो छिद्र पाए जाते हैं, ये जो नाक में दो छेद है, ये दो छिद्र पाई जाती है, और ये क्या कहती है, ये अंदर नेसल कैविटी से क्या रहती है, ये जुड़ी रहती है। यही यहाँ पास बोला गया कि नासिका के बाहर दो छिद्र पाई जाती है, इनकी नासिका छिद्र कहते हैं, इनकी अंदर से नासिका गुहा से जुड़ा रहता है। मतलब जो छिद्र, मतलब ये जो दो छेद होते हैं, ये पाई जाती है, और ये डायरेक्ट नेसल कैविटीज क्या रहती है, जुड़ा रहता है। इनसाइड ऑफ द नोज फाउंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, टाइप सेल विज कॉल्ड अ ग्लोबल्ड सेल। नासिका के अंदर ग्लोबल्ड सेल कोशिका पाई जाती है, जो यह कोशिका म्यूकस को बनाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल गया आप लोगों को, ये बताइए म्यूकस को कौन सी सेल बनाती है, तो कोबाल्ट सेल क्या करती है, वो म्यूकस को बनाती है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो हमारे नाक के अंदर रहता है, जो हमारे नोज के अंदर अंदर रहता है, जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया जाता है, जो जीवाणु जो जाता है, उसको वहीं पर चिपका लेता है कि भैया तुम आओ और यहाँ हम तो भैया हैं, तुमको एकदम ख़त्म कर देंगे। 99% तो फिल्टर कर देता है, फिर भी यार एक दो तो चले जाते हैं, वो गद्दारी करके पीछे से निकल जाते हैं। तो अब पढ़िए इसके मेन फंक्शन ऑफ द म्यूकस इज दैट इज अ किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकस का मुख्य कार्य सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का होता है, जो कि हवा के द्वारा हमारी नासिकाओं में प्रवेश करते हैं। मतलब कि वो हवा के द्वारा हमारे नेसल कैविटी में क्या करते हैं, वो प्रवेश कर देते हैं। फिर भी यहाँ तो है ना, तुम बैक्टीरिया जाओ, एकदम म्यूकस चिपका एकदम ख़त्म कर देगा कि तुम आओ यहाँ तो हम खड़े ही हैं। 99% तो फिल्टर कर ही देता है। तो यही चीज़ यहाँ पास था, तो एक आप लोग इसको समझिएगा, जो ना समझ में आए तो कमेंट करते रहिएगा। अब पढ़ेंगे फेरिंग्स। फेरिंग क्या होती है, आप समझिए, फेरिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अपर रिस्पायरेशन ट्रैक। इट इज अ टेक इज ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज एंड सेंड टू द यह ऊपर वाले भाग श्वसन तंत्र का एक भाग होता है। यह नासिका से हवा को लेकर के स्वर तक लेकर के जाता है। मतलब सांस ली, ये हमारे ऑक्सीजन को लेकर के लंग के नीचे वाले पार्ट तक की क्या लेकर के जाता है, ये यहाँ से कनेक्टेड रहता है। और आप लोग को मैंने नोज में एक चीज़ नहीं बताई थी, नोज में जो हेयर होता है, जो बाल, आप लोग उसको काट देते हैं, आप लोग उसको मत काटा करा करिए, क्योंकि जो 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 हेयर होते हैं, जो छोटे छोटे जो नोज के अंदर जो हेयर होती है, वो हमारे डस्ट पार्टिकल को क्या करती है, रोकती है। जो आप लोग उसको काट देते हैं, स्टीमर से हो गया, सीजर से हो गया, जो आप लोग उसको कर देते हैं, अगर बाहर निकलती है तो कर दीजिए, अगर अंदर है तो मत करिए, कौन सी दिख रही है। तो चलिए अब इसका, इट इज़ अ नॉर्मल लेंथ इज़ अ 12 to 14 सेंटीमीटर। इसकी लगभग लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब इसकी जो लगभग जो लंबाई होती है, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा भी जाता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी लंबाई होती है 12 से 14 सेंटीमीटर तक होती है। अब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ फेरिंग्स, कौन कौन से देख लीजिए, नेसो फेरिंग्स, ऑरेंगो फेरिंग्स और लैरेंगो फेरिंग्स। अब पढ़ेंगे लैरिंग्स। लैरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स बिकॉज इट अ प्रोड्यूस साउंड। लैरिंग्स को स्वर यंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये आवाज़ को बनाता है। मतलब लैरिंग को स्वर यंत्र भी कहा जाता है, और ये क्या करती है, ये
आवाज को भी बनाता है। अब पढ़ेंगे इसका मेन फंक्शन। इट मेन फंक्शन इज दैट कीप आउट फूड फूड फ्रॉम एयर वेव। यह भोजन को हवा की पाइप से अलग रखने का कार्य करता है। मतलब कि ये भोजन की जो पाइप होती है उसको हवा से अलग रखने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने आपके शरीर के अंदर एक होता है फेरिंग्स, फेरिंग के अंदर होता है फेरिंग्स, एक होता है इपिग्लोटिक। तो ये जब मुँह से जब आप खाना खाते हो, मान लीजिए मुँह से आपने खाना खाया वो गया, इपिग्लोटिक क्या करता है कि जब जब खाना खा रहे हो तो सांस नहीं ले सकते, और जब सांस ले रहे हो तो खाना नहीं खा सकते, एक साथ काम नहीं कर सकते आप। क्योंकि जो इपिग्लोटिक होता है ये बताता रहता है कि खाना आ रहा है इसको बंद करना है, सांस ले रहे हो खाने वाले पाइप को बंद करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग को हिचकी आती है, तो भैया जो हिचकी आती है आप लोग सुना होगा कि याद कोई, अरे भैया याद वाद कोई नहीं किया, जो यही समझो कि जो इपिग्लोटिक होता है कभी 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 आपका जो ब्रेन है कहीं मान लो बिजी है, किसी की याद वाद कर रहा है, तो इपिग्लोटिक जो होता है वो सही से काम नहीं करा। और जब खाना गया, जब आपने जो खाना खाया वो गया, मतलब वो गया एकदम पेट के अंदर गया, और वो थोड़ा सा पार्टिकल घुस गया था पाइप और नली में। अब वो देखता रहता है कि अरे ऐसा तुरंत हूँ हमारे जगह हम कहाँ आ गया, तुरंत उसको भेज देगा। फिर क्योंकि फिर याद आएगा आप लोगों को कि ब्रेन ब्रेन फिर याद आ जाएगा अरे ये कहाँ बिजी है, फिर पानी उनी पीने लगेगी। तो हिचकी इसी वजह से आती है, इपिग्लोटिक की वजह से। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे अपर साइड ऑफ द लैरिंग देन एपिग्लोटिक व्हेन अ फूड इंटर देन अ ब्लड द एयर वेव एंड व्हेन द एयर इंटर द ब्लड फूड पाइप। लैरिंग की ऊपर एपिग्लोटिक पाया जाता है और ये भोजन को अंदर आते ही तब हवा की पाइप को बंद कर देता है। जब हवा आती है तो भोजन की पाइप को बंद कर देता है। मतलब लैरिंग के अंदर एक एपिग्लोटिक पाया जाता है। उसका काम इतना होता है कि जब खाना खाओगे तो हवा वाली पाइप को बंद कर देगा, जब सांस लोगे तो खाना वाली पाइप को बंद कर देगा। ये छोटा सा था आप लैरिंग को याद कर लीजिए इसका डिफिनेशन। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब अगले इसके पार्ट टू में। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए यहीं से। आप लोग कोई चिन्ह समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करते चलिए।